प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू पार्ट टू लेटर एप्लीकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पार्ट वन में लेटर और एप्लीकेशन में विशेषकर लेटर के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दिया था। आज के अध्ययन अध्यापन के इस क्रम में मैं आपको पत्र और प्रार्थना पत्र दोनों के बारे में कम शब्दों में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पहले के कक्षा शिक्षण के वीडियो में लेटर और एप्लीकेशन की परिभाषाएं मेरे द्वारा बताई गई थी। आई वुड लाइक टू टेल यू वंस मोर द डेफिनेशन ऑफ लेटर एंड एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं, भ्रम हो जाता है। इसलिए लेटर की परिभाषा क्या होती है, पत्र इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसका मतलब होता है ए रिटन पेपर विच गिव्स अस एनी मैसेज इज कॉल्ड लेटर। यानी किसी कागज पर जब हम हाथ से या टाइपराइटर से या कंप्यूटर से कोई संदेश लिखकर किसी दूसरे के पास प्रेषित करते हैं, तो इस प्रकार कागज पर लिखा हुआ यह संदेश सहित उस कागज के रूप में पत्र कहलाता है, जिसे हम चिट्ठी या खत भी कहते हैं, अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब किसी कागज पर हाथ द्वारा या टाइपराइटर द्वारा या संगणक द्वारा, संगणक जिस कंप्यूटर कोई संदेश लिखकर पाने वाले को दिया जाता है, तो ऐसा लिखित कागज पत्र या खत या चिट्ठी कहलाता है। चिट्ठी कहलाता है, अंग्रेजी में इसी को लेटर कहते हैं। अब यह कागज चाहे हाथ से लिखा हो, चाहे टाइपराइटर से प्रिंट हो, टाइप हो या कंप्यूटर द्वारा प्रिंट हो, जो भी होगा इसमें संदेश होगा, इसमें मैसेज होगा। ए लेटर विदाउट मैसेज इज नॉट लेटर। अगर किसी पत्र में संदेश नहीं है तो उसे पत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रिय विद्यार्थी, अब वंस मोर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का आजकल इस शब्द का बहुत बड़ा प्रयोग है, कहीं कहीं अनुप्रयोग का तात्पर्य है, कहीं ऐप से बना हुआ है, मोबाइल और कंप्यूटर में तो एप्लीकेशन होता है, लेकिन हमारा यह तात्पर्य पढ़ने और पढ़ाने में
भाषा के ज्ञान से संबंध में प्रार्थना पत्र से है। प्रिय विद्यार्थियों, एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ लेटर। एप्लीकेशन भी लेटर का एक पार्ट होता है, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन? तो लेटर ऑलवेज कन्वेज मैसेज, पत्र से हमेशा संदेश की सूचना होती है। अगर सूचना नहीं है, संदेश नहीं है, तो पत्र नहीं है। और एप्लीकेशन में हम मोस्टली इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे आप कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन पत्र देते हैं, तो उस पत्र को हम एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र कहते हैं। उस प्रार्थना पत्र में आप अपनी आवश्यकता लिखते हैं, अपने क्वालिफिकेशन की, अपने अनुभव की इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उनके कागज भी लगाते हैं। तो यह पत्र जब संदेश के साथ साथ सूचना युक्त हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। यानी जब कोई पत्र संदेश के साथ साथ सूचना युक्त भी होता है, तो ऐसे पत्र को प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन कहते हैं, यानी कि पत्र में मैसेज होता है और एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। प्रधानता सूचना की होती है, संदेश की सूचना प्रधानता नहीं होती। यानी ये लेटर में या कुछ है मैसेज एज वेल एज इंफॉर्मेशन ट्यू इज कॉल्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब भी है प्रार्थना पत्र अभ्यर्थन, जहाँ पर कोई नीड हो। एप्लीकेशन हमेशा किसी नीड को व्यक्त करता है, तो प्रार्थना पत्र सदैव किसी आवश्यकता की पूर्ण हेतु दिया जाता है। जब आप प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति का फ्री कंसेशन का लेटर देते हैं, तो वह लेटर तो होता है, लेकिन वह लेटर कहलाता है फ्री कंसेशन एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि उसमें आप पहले मैसेज देते हैं कि मैं इस परिवार से हूँ, मेरा परिवार बहुत गरीब है, मैं पूरी फीस देने में असमर्थ हूँ। फिर आप अपनी आवश्यकता बताते हैं, कृपया शुल्क नहीं दे पा रहा हूँ, पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए मुझको शुल्क मुक्ति प्रदान करें। कोई व्यक्ति नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देता है, तो पहले वो मैसेज देता है कि मैं इतना इतना क्वालिफाइड हूँ, साथ में उसका जो डॉक्यूमेंट देता है, वह डॉक्यूमेंट उसके संदेश की पुष्टि करते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और जो इसलिए आप देते हैं, वह आपकी नीड होती है कि आपको एक जॉब चाहिए। इस प्रकार एप्लीकेशन जो होता है वह इंफॉर्मेशन प्रधान होता है, सूचना प्रधान होता है, और लेटर जो होता है वो संदेश प्रधान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आते हैं टाइप ऑफ लेटर, पत्र के प्रकार या टाइप ऑफ लेटर, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उन पत्रों को लिखा जाता है। Dear students,
आपसे कोई पूछे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड लेटर्स इनटू टू पार्ट्स। हम पत्रों को सर्वप्रथम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मल लेटर, इन हिंदी वी कॉल औपचारिक, और द सेकंड पार्ट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर दिस इज कॉल अनौपचारिक। हिंदी में आप नाम से ही समझ सकते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो इसके नाम से ही आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। फॉर्मल मीन्स वेयर फॉर्मलिटी मस्ट। औपचारिक पत्र वह पत्र है जहां पर हमें कुछ निर्धारित नियमों, प्रारूपों, शब्दावलियों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। उसका एक खाका होता है। और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं इनमें कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। इसको हम यथा आवश्यकता अपनी मर्जी के हिसाब से लिख देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। नंबर फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर्स और नंबर सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर्स। अब हम आते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन फॉर्मल लेटर एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर एंड हाउ वी कैन राइट ए गुड फॉर्मल लेटर। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस पर आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हाउ वी कैन डिफाइन फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का मीन्स है द लेटर रिटन विद अकॉर्डेंस टू स्टिपुलेटेड फॉर्मेट, इसका फॉर्मल लेटर। इसका हो गया ए लेटर रिटन विद अकॉर्डेंस टू ए स्टिपुलेटेड फॉर्मेट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इसकी परिभाषा है कि लेटर रिटर्न विद अकॉर्डेंस टू स्टिपुलेटेड फॉर्मेट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। इसका एक पूर्वनिर्धारित प्रारूप होता है, नहीं होता है तो हमें बनाना पड़ता है, जिसके आधार पर ही ये लिखा जाता है। नंबर दो की फॉर्मल लेटर आर ऑफिशियल्स रिटेन टू सीनियर्स बिजनेस लेटर। अब कहने का मतलब होता है कि जितने भी हमारे सरकारी पत्र होते हैं, सरकार से विभागीय पत्राचार होते हैं, वे फॉर्मल लेटर होते हैं। एक कनिष्ठ कर्मचारी, एक मातहत सबॉर्डिनेट ऑफिसर या एम्प्लॉय जो अपने सीनियर ऑफिसर या एम्प्लॉय को पत्र लिखता है वो भी फॉर्मल लेटर में होता है। जो हम व्यापारिक पत्र लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है, उसका भी एक प्रारूप होता है।
अब इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस व्हेन वी राइट एनी लेटर टू आवर टीचर क्लास टीचर आर प्रिंसिपल्स देन दिस इज आल्सो विद इन फॉर्मल लेटर। तो यह भी हमारे फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आता है। अब अभी कुछ उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे ने जो एप्लीकेशन पत्र लिखा वो लेटर है कि एप्लीकेशन है। तो चूंकि बच्चा स्टूडेंट वाई आर गर्ल वेन राइट ए लेटर टू हिज प्रिंसिपल और क्लास टीचर देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही इंडिकेट ही या सी इंडिकेट्स अबाउट हिज प्रॉब्लम ही गिव्स द मैसेज एंड देन ही या सी यूज टू प्रे टू रिमूव हिज प्रॉब्लम टू हेल्प ही माना। तो चूंकि उसमें एक बालक एक बालिका जब आपको कोई पत्र लिखता है तो पहले तो अपना संदेश देता है अपनी पारिवारिक सामाजिक या जो भी समस्या है उसको लिखता है और फिर उसको समाधान चाहने के लिए आपसे इंफॉर्मेशन देता है सूचना देता है क्षमा चाहता है या फिर मुक्ति चाहता है। तो ऐसा लिखा हुआ पत्र एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाता है वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही है। इट मीन्स एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। प्रार्थना पत्र भी एक फॉर्मल लेटर का ही पार्ट होता है कोई अलग से नहीं होता बल्कि लेटर ऑलवेज गिव जस्ट मैसेज व्हाइल एप्लीकेशन गिव जस्ट मैसेज विद इंफॉर्मेशन व्हेयर देयर इज समथिंग नीड इट बिलोंग्स टू एप्लीकेशन। जहां कोई जरूरत होती है वहां लिखा गया पत्र प्रार्थना पत्र हो जाता है। इंफॉर्मेशन विद नीड इज कॉल्ड एप्लीकेशन। प्रिय विद्यार्थियों अब मैं ये चाहूंगा कि फॉर्मल लेटर लिखने का प्रारूप क्या है या हाउ वी कैन राइट ए फॉर्मल लेटर हाउ वी कैन राइट ए लेटर टू आवर ऑफिसर्स। हम अपने अधिकारियों को कोई पत्र कैसे लिख सकते हैं क्योंकि अधिकारियों को लिखा जाने वाला पत्र चाहे उस पर प्रिंसिपल हो कक्षा अध्यापक हो जिले के जिलाधिकारी हो या प्रदेश या देश के कोई भी अधिकारी हो उनको जब हम कोई पत्र लिखते हैं या ध्यान रखते हैं कि यह पत्र निर्धारित प्रारूप पर होता है और इसके अंतर्गत केवल अपने से वरिष्ठों को ही पत्र लिखा जा सकता है। बिजनेसमैन जहां आप सेवा करते हैं या चाहते हैं वहां लिखा जा सकता है या किसी भी तरह से अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को और परिवारजनों को नहीं लिखा जा सकता है वह इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन राइट ए फॉर्मल लेटर हम एक औपचारिक पत्र कैसे लिख सकते हैं एक सरकारी पत्र कैसे लिख सकते हैं ये बड़ा जटिल प्रश्न है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं प्रिय विद्यार्थियों कि हम आए दिन तमाम सरकारी पत्र जातों को भी देखते रहते हैं या तो लिखने वालों में अज्ञानता होती है या वे लिखते समय केयरलेस होते हैं क्योंकि उनके भी पत्र लेखन में त्रुटियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कदाचित यह अज्ञानता का कारण भी हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको ध्यान से देखा है कि हाउ वी कैन राइट ए गुड एन आइडियल फॉर्मल लेटर। प्रिय विद्यार्थियों when we want to write a formal letter first of all we write sender's address sender's address का मतलब होता है भेजने वाले का पता। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों हमने आपको जब पत्र पढ़ाया था पिछले दिन तो बताया था कि सपोज इट इज ए पेपर ऑन विच यू हैव टू राइट ए फॉर्मल लेटर यह एक मान लीजिए कागज है जिस पर आपको पत्र लिखना है। अब हाउ यू कैन राइट ए गुड एंड आइडियल फॉर्मल लेटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस।
पत्र भेजने वाले का पता सबसे पहले लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्मल लेटर का जो व्याकरण शास्त्र की नजर में, जो भाषा विद्वानों की नजर में जो सबसे प्रामाणिक और सही तरीका है, उसके अंतर्गत पत्र भेजने वाले का नाम, उसका पता, मतलब पत्र भेजने वाले का पता, सॉरी केवल पता और तिथि, स्पष्ट शब्दों में कागज के राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लिखा जाता है। यह ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से, भाषा विद्वानों की दृष्टि से पूरी तरीके से प्रामाणिक और सत्य है। जैसे यहाँ से उसको लिखना है, पत्र शासकीय पत्र लिखना है, अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को लिखना है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा GSIC राजेश सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर। सबसे पहले शासकीय पत्र में या फॉर्मल लेटर में हम पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं कागज के राइट हैंड साइड के ऊपर कागज पर, और जहां पर यह हमारा पता लिखा होता है, एड्रेस भी यहां लिखा जा सकता है एड्रेस, उसके नीचे हम स्पष्ट अंकों शब्दों में, जैसा हम फॉर्मेट का प्रयोग करें, हमें तिथि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे 13 अक्टूबर 2020। यह प्रक्रिया ग्रामर की दृष्टि से तोड़ दिया सही, किंतु आजकल चलन और परंपरा के दृष्टि से अगर देखा जाए और कुछ नवोदित भाषा विज्ञानियों से भी मिला जाए, तो एक नई परंपरा ये भी आ गई है कि जहां पर हम राइट हैंड साइड कागज पर लिखने की बजाय लेफ्ट हैंड साइड में जहां सेंडर्स एड्रेस है वहां लिख देंगे GSIC राजेश सुल्तानपुर ए नगर, और यहां पर डेट हो गई 13 अक्टूबर 2020। दिस इज मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। यह भी प्रचलन में है और सही माना जाएगा। सो वी कैन राइट सेंडर्स एड्रेस इन टू वेज, इन द फर्स्ट वे इन द राइट कॉर्नर ऑफ द लेट पेपर इन अपर साइड, और दूसरा तरीका इस तरह से। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा कार्य होता है, एक शास्त्रीय पत्र या फॉर्मल पत्र लिखते समय वो हमें लिखना पड़ता है रिसीवर्स एड्रेस। जाहिर सी बात है प्रिय विद्यार्थियों, यह पत्र पाने वाले का पता है, तो जाहिर सी बात है कि पत्र पाने वाला जो व्यक्ति होता है, यह फॉर्मल लेटर है, एक निर्धारित प्रारूप पर है, वह हमारा वरिष्ठ है, सीनियर है, भले ही टीचर है तो छात्र लिख रहा है, प्रिंसिपल है टीचर लिख रहा है, अधिकारी है लिख रहे हैं, तो हम जिस भी अपने से वरिष्ठ अधिकारी को लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी जगह सेवा में जो हिंदी में आता है उसकी जगह टू का प्रयोग करते हैं। टू हूँ, किसको लिख रहे हैं, यह इंडिकेट करने के लिए, प्रापक को यानी पत्र पाने वाले को इंडिकेट करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, का और काम लगा देते हैं। अब इस टू के नीचे हम रिसीवर्स एड्रेस पत्र पाने वाले का, जैसे हमें लिखना है जिले के DIS अम्बेडकर नगर, जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर को जिलाधिकारी महोदय को लिखना है, तो हम लिख सकते हैं टू द DIOS कामा अम्बेडकर नगर। यहां पर भी
अगर आपने दाएं साइड में लिख दिया है सेंडर साइट्रस, तो बाएं साइड में जहां गेंद खत्म हुई उसके नीचे की लाइन में टू और उसके बाद लिखा जाएगा द डी आई ओस कामा अम्बेडकर नगर फुल स्टॉप। यहाँ दोनों में प्रक्रिया एक होगी बिना। अब इसके बाद आता है, यहाँ तक हो गया कि भेजने वाला कौन है और पाने वाला क्या है, तिथि हो गई है, तो अब हमको लिखना पड़ता है जिसकी बहुत बड़ी कमी आज देखने को मिलती है। आज लेटर नंबर यानी पत्रांक और विषय को लेकर के बड़े बड़े पत्र लेखक भी गलतियां करते हैं, इसलिए यू हैव टू माइंड, आपको जानना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में और वैसे भी भाषा विद्वानों की नजर में। सब्जेक्ट हमेशा जहां पर रिसीवर एड्रेस आ गया उस रिसीवर एड्रेस के बाद हम सबसे पहले सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब सैल्यूटेशन का मतलब कि आपकी भाषा सम्मानजनक होनी है, शिष्टाचार होना है, अपने से वरिष्ठ को आप लिख रहे हैं तो आपको इंस्पेक्टर सर और मैडम का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शासकीय पत्र है, फॉर्मल पत्र, औपचारिक पत्र है, तो हो गया जैसे हम लिख रहे हैं तो हो गया इंस्पेक्टर सर, इंस्पेक्टर सर आपके यहाँ अगर मैडम होगी तो आप मैडम हो, तो काम इंस्पेक्टर सर आप लिख मैडम हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर इंस्पेक्टर सर और मैडम हो गया, अब हमने सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग का प्रयोग कर दिया, आदरणीय महोदय या आदरणीय महोदया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है रीजन ऑफ राइटिंग लेटर, यह पत्र लिखा क्यों जा रहा है उसके बारे में हमें सूचना देने वाला विषय क्या है, टॉपिक ऑफ द लेटर, विषय वस्तु क्या है, यहां पर हेडिंग डालते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डैश लगा करके एन एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन, एन एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन ग्रेड फिक्सेशन, एन एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव मोर देन 90 डेज, जो भी आपने लेना है करना है वह आपने यहाँ पर विषय लिख दिया। हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए या संस्कृत में लिखिए या उर्दू में लिखिए, या औपचारिक पत्र का फॉर्मेट बदलता नहीं है, अगर आप बदल देते हैं तो त्रुटिपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थी, अब जैसे आपने लिख दिया एप्लीकेशन अबाउट सिलेक्शन ग्रेड फिक्सेशन फुल स्टॉप हो गया, और फुल स्टॉप के बाद इस सब्जेक्ट के बाद जो अगला नंबर हमारा आता है, जैसे हमने रिसीव ये हो गया, तीसरा था इसका सैल्यूटेशन जिसे हम ग्रीटिंग कहते हैं, और हमने चौथा आपको बताया सब्जेक्ट जो कि हमेशा सैल्यूटेशन के बाद ही आता है। अब इस सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर आती है, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू टू और थ्री पार्ट्स। इसमें भी विद्यार्थियों केवल दो से तीन पैराग्राफ ही होने चाहिए। एक अच्छा औपचारिक पत्र वही है जिसमें नॉट मोर देन थ्री पैराग्राफ, जिसमें तीन से ज्यादा पैराग्राफ नहीं होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि जो पहला पैराग्राफ है, जो फर्स्ट है, इसमें आप अपने पत्र लिखने का हेतु अवश्य स्पष्ट कर दें। व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर टू योर ऑफिसर और सीनियर यू मस्ट एक्सप्लेन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर।
आप अपने सीनियर अफसर को पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य आप अपने प्रथम पैराग्राफ में ही स्पष्ट करते हैं। आपके पास अगर उससे संबंधित योग्यता है, किसी ने आपका प्रमोशन ग्रेड रोक रखा है कि साहब आप पीजी नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो और आपने कर रखा है, तो आप बता सकते हैं कि सर आई फुलफिल ऑल क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव पोस्ट, आई हैव डन माई बी ए या समथिंग, जो भी आप लिखना चाहें। नंबर दो पैराग्राफ में अपनी योग्यता इत्यादि को दे सकते हैं और नंबर तीन में कम से कम शब्दों में अपने निवेदन को, अपनी याचना को, अपनी नीड को उदारतापूर्वक पूर्ण करने का अनुरोध सहित पत्र को समाप्त कर देते हैं। पत्र की भाषा बहुत ही शिष्ट, बहुत ही शिष्टाचार युक्त और बहुत ही अस्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें खांच पांच कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और विनम्रता के साथ साथ शिष्टता दर्शित होनी चाहिए। इस प्रकार ये बॉडी आपका लेटर हो जाता है। इसके बाद चौथा आता है, पांचवा भाग, छठा भाग आता है कि क्लोजिंग द लेटर। क्लोजिंग द लेटर, पत्र को अब समाप्त हो गया, यू हैव कंप्लीटेड योर बॉडी ऑफ द लेटर इनटू टू और थ्री पार्ट्स, तो इसके बाद आता है क्लोजिंग, क्लोजिंग द लेटर। अब क्लोजिंग द लेटर जो पार्ट है इसमें बेटा, अब आपको, आपने अपनी बात रख दिया, बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, तो सबसे पहले कहीं कहीं परंपरा यह है कि उसी साइड में बाएं में सबसे नीचे, लेकिन लोक व्यवहार में है कि दाएं पार्ट में सबसे नीचे, जहां पर आपकी बॉडी समाप्त होती है वहां थैंकिंग यू लिखते हुए आप इसका प्रयोग करते हैं क्लोजिंग द बॉडी। क्लोजिंग द बॉडी के लिए औपचारिक पत्र का यूनिवर्सल सब्सक्रिप्शन है, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, तो यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स फेथफुली आर योर्स सिंसियरली। यह लिखने के बाद आपका अगला जो नंबर आता है, लास्ट पार्ट जो आता है, वो आ जाता है नेम और सिग्नेचर। अब यहां पर योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखने के बाद अपना नाम जब आप लिखते हैं तो प्रायः अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए और वहां पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए। लेकिन अगर कोई पत्र है, परीक्षा चल रही है, तो वहां पर एक्स वाई जेड ए बी सी डी लिख देना चाहिए, यह परीक्षा की शुचिता के दृष्टि से होता है। इस प्रकार एक औपचारिक पत्र पूरी तरीके से पूरा हो जाता है। इसी प्रकार अनौपचारिक पत्र में होतवा पत्र होता है, यू विल बी राइट टू आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, योर कलीग्स, प्लीज आप जब अपने पारिवारिक मित्रों को, दोस्तों को, घरेलू संबंधों वालों, रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर होता है और उसमें आप सूचनाओं का नहीं बल्कि संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए उसको अनौपचारिक कहते हैं, क्योंकि उसमें इस प्रकार के किसी भी निर्धारित प्रारूप का अनुसरण करना, उपयोग करना आवश्यक नहीं होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।